सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, एक मैं जल्दी से एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक एंड्रॉयड फ़ोन पे या किसी भी फ़ोन पे आप एक आर्ट कवर या पोस्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है पिक्सआर्ट। आप काफ़ी लोग जानते होंगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने ना कुछ इमेजेस आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखी हुई है ऑलरेडी, और कुछ पेड उसमें एसेट्स है, कुछ पेड ओवरले हैं, मैंने वो भी ऐड कर दिए। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके ना उसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड लेना है एक, जैसे क्रॉप में जाके ना, ये 3464 है, 3464 रेशियो है, ठीक है, अभी भी स्क्वायर है, लेकिन हमें 3000 बाय 3000 चाहिए। मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि 3000 बाय 3000 ही रखिए, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक और काफ़ी सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें एक स्क्वायर आर्टवर्क ही जाता है, स्क्वायर रखना सही है, ठीक है। लेकिन जब आप इसे थंबनेल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको उसका रेशियो चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप इसको थंबनेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस है, एक पूरा एक फोल्डर है, आप उसे अपने फ़ोन में कॉपी कर लेना, या अगर आप पीसी में कर रहे हैं तो उसमें ठीक है, अदरवाइज आप फ़ोन में कॉपी कर लेना उसे। उस फोल्डर में जाएंगे ना तो काफ़ी सारी इमेजेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन करके एक फोल्डर होगा, इसमें काफ़ी सारी इमेजेस है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो हम सबसे पहले ये वाली इमेज ले लेते हैं, और मैं इसे थोड़ा बड़ा करके, सीधा नहीं, इसे थोड़ा सा टिल्ट लगा रहा हूँ, आप सीधा भी लगा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा टिल्ट करके लगा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, और इसको एडजस्टमेंट में जाके इसकी जो सैचुरेशन है इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, ताकि एक ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट आ जाए हमें, ठीक है। इसको फिर यहाँ से टिक कर देते हैं। उसके बाद हम एक और इमेज ऐड करते हैं, जो कि एक पेपर कट की है, ये रही, ठीक है। इसको ऐड करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एफेक्ट्स में चलते हैं सबसे पहले, और इसमें हमें ना कुछ चीज़ें फिक्स करनी है। तो एफेक्ट्स में जाके एफएक्स में, एफएक्स पैनल के अंदर फिल्म टू पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे, इसका स्क्रीन, स्क्रीन से क्या होता है, जो भी ब्लैक होगा ना वो सारा हट जाएगा, और उसके अलावा जो भी वाइट होगा ना वो आपके आर्टवर्क में दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या थोड़ा सा टिल्ट करके हम ऐसे लगा देते हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो ये इस एरिया में ना ऐसा सा कुछ इशू आ रहा है, एक लाइन आ रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है। इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं, हम ड्रॉ वाले पैनल पे जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ब्रश ले लेते हैं वाइट, ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ओपेसिटी भी बढ़ा लेते हैं, कलर में जाएंगे, वाइट कलर ले लेंगे, ठीक है, और इसको बिल्कुल ऐसा करके इसमें ब्रश से मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। आप चाहें तो एक बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी सारे अभी टेक्सचर वगैरह डालेंगे तो ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। उसके बाद एक कैरेक्टर लेना है, जो आपका जो सब्जेक्ट होगा ना उसको ले लेते हैं हम। अच्छा, अभी इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे ना, अभी इस कैरेक्टर में ना वाइट बैकग्राउंड है, अगर हम इसे बैकग्राउंड से रिमूव करना है ना, तो पिक्सआर्ट के अंदर एक कटआउट करके अगर आप देखेंगे ना, एक ऑप्शन है, और उसमें अगर आप पर्सन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही उसको रिमूव कर देगा, लेकिन ये ना इतना अच्छा नहीं करता। अगर आप देखेंगे ना, कोई अगर आप किसी प्रोफेशनल के लिए अगर आप एक आर्टवर्क बना रहे हैं, अपने लिए ही बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके आर्टवर्क को ना डाउनग्रेड कर देती हैं, आपकी क्वालिटी को। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पिक्सआर्ट का जो इनबिल्ट है उसको यूज़ ना करें, इसके बदले ना एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैजिक कट, इसको यूज़ करिए। मैं दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है। कटआउट में जाएंगे, हम अपना सब्जेक्ट ले लेंगे जो चाहिए हमें, ऑटो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं ऑटो ऑप्शन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है ना वो एक सॉलिड है, तो इजीली कट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेन कलर है बैकग्राउंड में। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसने बैकग्राउंड को अलग कर दिया है। इसको सेव कर लेना, PNG फॉर्मेट में ये सेव हो जाता है। जब आप सेव कर लेंगे तो इस वाली इमेज को आप यूज़ करिए, ऐड फोटो में जाएंगे, जो हमने इमेज सेव करी है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस इमेज को यहाँ रखने वाला हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये इतना बहुत है।
इसको भी हम ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, अगर आप कलर रखना चाहें तो कलर रख सकते हैं, बट मैं इसमें ब्लैक एंड वाइट करने जा रहा हूँ। इसको मैं ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दूँगा ताकि बैकग्राउंड से थोड़ा मैच हो जाए। इसकी हम क्या करते हैं, शैडो बनाते हैं। अगर आप शैडो देख रहे हैं, बैकग्राउंड में शैडो आ रही है, ये इसकी ओपेसिटी हल्की सी बढ़ाऊँगा मैं ताकि मुझे दिख जाए कि क्या हो रहा है। हल्का सा सॉफ्ट करके उसकी पोजिशन है ना, उसकी थोड़ी सी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और वापस एडजस्टमेंट में चलते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं थोड़ा। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बैकग्राउंड से अब थोड़ा सा पता चल रहा है, बैकग्राउंड से ऊपर है। आप चाहें तो पीछे जो हमने इमेज यूज़ करी थी ना, उसको भी थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने अभी नहीं किया है ब्लर, आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम आर्ट फोटोज़ पर जाएंगे, हम फिर से हम वही टेक्सचर लेंगे जो हमने पहले लिया था। हम फिर से उसके बाद हम फिर से आर्ट फोल्डर में जाएंगे और फिर से हम वही टेक्सचर लेंगे जो हमने लिया था, जो कि एक पेपर कट का है। फिर से सारी सेम चीज़ें हमें करनी है। एफएक्स में जाना है, फिल्म टू सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको राइट कर देना है, राइट। और इस बार ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट में जाते हैं तो इसी ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं, या तो इशू इससे फिक्स हो रहा है। तो इतना करने के बाद उसके बाद हम दोबारा से एक आर्ट फोटो में जाएंगे। और एक इसमें ना काफ़ी सारे मैंने टेक्सचर दिए, आप कोई सा भी टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये वाला टेक्सचर यूज़ करने वाला हूँ। को भी थोड़ा सा रोटेट करके मैं ऐसे रखूँगा, उसके बाद मैं ब्लेंडिंग मोड पे जाऊँगा। चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सूट हो रहा है। मैं इसमें आई गेस डार्कन में रखते हैं इसको, और ना जहाँ जहाँ नहीं चाहिए ना उस एरिया से ना मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे इस एरिया में नहीं चाहिए, अभी हम क्या कर रहे हैं उस एरिया से हटा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ हमें नहीं चाहिए। अब इसको ना थोड़ा सा डिटेल वाला काम है, थोड़ी सी मेहनत है इसमें। रीस्टोर पे जाएंगे, हार्डनेस बढ़ा दीजिए, 95 रख रहा हूँ यहाँ पे मैं। ब्रश साइज़ जो चाहिए आपको उतना रख लीजिए, और उसके बाद ना आप रीस्टोर कर दिए आपको जहाँ जहाँ चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा फोटोशॉप में ईजी होता है क्योंकि पेन टूल्स वगैरह बहुत सारे टूल्स है, ब्रश भी उसमें होता है, माउस से करना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ से आप फिंगर टिप से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप स्टाइलस यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में स्टाइलस सपोर्ट होता है। नहीं भी होता तो कई सारे ना ऐसे पेन आते हैं जिसके पीछे एक रबर जैसा लगा होता है स्टाइलस की तरह। मेरे पास एक ऐसा पेन भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक पीछे रबर होता है और पॉइंटेड होता है, तो ईजीली ना उससे हो सकता है। मैं अभी उसी से कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना, मुझे अपनी फिंगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर मैं अपनी फिंगर इससे करूँगा ना तो ये इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आधी स्क्रीन ना मेरी फिंगर घेर लेगी और मुझे दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऐसे फिल कर देता हूँ। ओपेसिटी से भी आप प्ले कर सकते हैं, आपको कितना रखना है कितना नहीं रखना, ठीक है। नीचे वाले सेक्शन में मैं अभी उसको नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ इस ऊपर वाले सेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ उसे, ठीक है। सेलेक्ट पे चेक कर दिया ताकि ये दोबारा से ब्रश ना चले। हाँ, नीचे वाला एरिया रह गया है, नीचे वाले एरिया को भी पूरा कम्प्लीटली मैं इरेज कर दूंगा। यहाँ पे हम कुछ और यूज़ करेंगे, इसको मैं चेक कर देता हूँ, बाकी इसकी ओपेसिटी देख लेते हैं। आई गेस हम इतनी रखेंगे, थोड़ा सा ग्रे स्टोन अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, या इतने हद तक ये अच्छा लग रहा है, इसको चेक कर देते हैं, ओके। फिर उसके बाद दोबारा हम आर्ट फोटोज़ में जाएंगे, काफ़ी सारे टेक्सचर हैं जैसे आप देख सकते हैं, मैंने दिए हैं आपको काफ़ी सारे टेक्सचर। और ना एक ऐसा गोल्ड का टेक्सचर है, हम इसको यूज़ करते हैं, एडजस्ट में जाऊंगा और इसकी जो सैचुरेशन है इसको बिल्कुल डाउन कर दूंगा, ठीक है। डाउन करने के बाद हल्की सी क्लैरिटी बढ़ा देता हूं ताकि ना जो ब्लैक्स है ना थोड़े से सही से दिखे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देता हूं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे इस एरिया पे, फिर से ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे, इसके इरेज में जाएंगे, जो पार्ट नहीं चाहिए हम उसे इरेज कर देंगे। यहाँ पे मैं फिर से वही अपना स्टाइलस यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। मैं इसे ओके कर देता हूँ, काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अभी ये इतना ज़्यादा मैंने एडवांस लेवल का नहीं सिखाया आपको, ये अभी मैंने बहुत ना बेसिक भी नहीं, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल का एक आर्ट वर्क है। इसे एडवांस मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल एडवांस बना दूँ और जो बिल्कुल नए लोग बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं ड्रॉ पे जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद रेड कलर लेंगे, थोड़ा डार्क ले रहा हूँ मैं,
ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करके देखिए, ठीक है, डार्कन पे सही लग रहा है। लेयर हटा देते हैं यहाँ से, वापस से हम स्टार्ट करते हैं। देखा आपने, ऊपर वाले से मैच हो गया, पर ये कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्सचर है, ठीक है। इस लेयर की ना ओपेसिटी हल्की सी हम कम कर लेंगे, उसके बाद आप अपना टाइटल रख सकते हैं, जो भी आपके सॉन्ग का टाइटल है आप वो रख सकते हैं। हम उससे पहले ना हम एफएक्स पे चलते हैं, हम ऐसा कुछ ब्लर यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फोकल जूम पे रहेंगे, इसके फेस पे रख रहा हूँ मैं फोकल जूम, और साइज थोड़ा सा इस तरफ से बढ़ाइए ऐसे, ताकि सिर्फ नीचे वाले एरिया में बढ़े, ठीक है। हार्डनेस नहीं चाहिए हमें, सॉफ्ट चाहिए, ऐसा हार्ड नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको एजेस ना ब्लेंड नहीं होंगे। ब्लर वैल्यू कम कर रहा हूँ मैं और इसको ओके कर देता हूँ। कोई टाइटल दे देते हैं इसको, टाइटल कुछ भी हो सकता है जो आपका सॉन्ग हो। हमारे आर्ट का नाम रख देते हैं डेथ गेम, जो कि मैं यहाँ डेथ गेम रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉन्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो आप कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये होगा हमारा टाइटल। लेट्स से हमारे आर्टिस्ट का नाम साइफर है, ठीक है, तो हम अपने आर्टिस्ट का नाम भी डाल देते हैं। और ना यहाँ पे मैं टेक्स्ट में ना गैप देने वाला हूँ, इससे क्या होगा आप देखिए। और मुझे बहुत ही पतला सा फॉन्ट चाहिए, मतलब ऐसा बोल्ड फॉन्ट नहीं चाहिए। ओके, ये अच्छा लग रहा है, इसकी भी थोड़ा सा स्ट्रेच कम कर देता हूँ मैं, नाइस, थोड़ा छोटा करेंगे। अगर आप देखेंगे ना तो पिक्सआर्ट में काफ़ी सारे चीज़ें हैं, इट्स अप टू यू गाइस, आप कितना कुछ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा से आर्ट फोटो में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी सारे टेक्सचर दिए हैं, आप ये वाला टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू अगर आप टेक्सचर रखना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद इसका ब्लेंड मोड चेंज करके हम इसे स्क्रीन पे कर देंगे, ठीक है, और इसकी हल्की सी ना ओपेसिटी जो है ना, जो ओपेसिटी है वो कम करेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, हल्का सा टेक्सचर रखना है, ये देखिए, बस दैट्स इट। इसके बाद हम वापस से टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ठीक है, और इसके हाइलाइट्स भी हल्के से बढ़ा लेते हैं, ताकि जो वाइट्स है ना थोड़े से और वाइट हो जाए, और शेडोज़ को कम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क लुक देने के लिए। और एफएक्स पैनल में चलते हैं। ओके, कुछ पेड है कुछ फ्री है, विनियट बहुत काम का है, इसका साइज़ बढ़ाएंगे और हल्का सा फेड बढ़ा देंगे, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है, एसिड प्रोडक्शन। तो मैं ऐसा कुछ करके लिख देता हूँ यहाँ पे, लिक्विड एसिड प्रोडक्शन। आप इसे छोटा करिए और इसको स्ट्रेच करके ऐसे बड़ा कर दीजिए, और मुझे फॉन्ट छोटे ही चाहिए, तो हम ऐसे करके लगा देते हैं। आपके प्रोडक्शन का कुछ भी नाम हो सकता है, जो भी प्रोडक्शन का नाम है आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपका एक पोस्टर रेडी हो चुका है, इसे फिर हम इसके बाद कर लेते हैं सेव टू गैलरी, और ये पोस्टर हो गया सेव। अभी ये जो एडिट था ये ज़्यादा एडवांस नहीं था, ये बहुत सिंपल था, अभी बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है इसे मैंने, ताकि सब लोगों को समझ आए। आगे मैं बहुत एडवांस टेक्निक भी दिखाऊंगा आपको, जो कि फोटोशॉप में होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी भी नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पहली नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।